हारिस को तो देख ले 145 पेस से बीट कर रहा है। बात पता है क्या, पेस से बीट नहीं कर रहा वो, जब रनअप में है तभी खौफ आ रहा है कि आ रही है, अभी आ रहा है हमारे, मिसाइल आ रही है हमारे पास, तेज इतनी करा रहा है भाई 90 माइल्स पर आवर का। टाइटल चेंज कर दो, पाकिस्तान क्रश अफगानिस्तान। बाबर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि हमारे बोलर रेडी हैं, बोलर भला खेल T20 लीग रहे हैं, लेकिन बोलर ओडीआई की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बोलर एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं कि T20 लीग खेल रहे हैं, लेकिन लीग्स में भी नेट में 10-10, 9-9, 10-10 ओवर डाल रहे हैं, और वो सच है, नजर आ रहा है। अगर इनकी बैटिंग देखी, इनकी बॉलिंग देखी, बैटिंग देख के कॉन्फिडेंस आया हमें, आराम से हरा देंगे, बॉलिंग देख के डर, बॉलिंग देख के थोड़ा दहशत हुई, बॉलिंग देख के दहशत, आरएस देख लो, जसीन देख लो, शाहीन देख लो, सामा मिर देख लो, देखो तो ऐसा लग रहा है कि वो प्लान के साथ आए थे, शाहीन की शॉर्ट बॉल से हम ट्राई करेंगे, और फील्ड भी उसी तरीके से लगाई हुई थी लेफ्ट साइड पे। अगर आप देखो अभी, देखो पाकिस्तान बड़ी टीम है और बात यही चल रही है कि पाकिस्तान आराम से हरा लेगा, टेक ओवर कर लेगा, सबसे बड़ी राइवलरी में से एक है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो शाहिदी वाली कैच बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन शाहिदी का एक था, बाकी दोनों जस्टिफाइड इस तरह, रहमत आउट हुए, ज्यादा रन आउट होते हैं वो दोनों को, अब शाहिन को विकेट गिफ्ट करके गए, खासकर रहमत ने गिफ्ट किया है। पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है अफगानिस्तान के सामने, ये चीज सभी जानते हैं, पाकिस्तान हैव वन द टॉस एंड हैव ऑप्टेड टू बैट। तो ये बताओ कि अगर अफगानिस्तान हरा देता तो कोई अपसेट बोलते हैं? नहीं, अब इट इज इट नहीं बोलेंगे, वो जमाना चला गया कि पाकिस्तान बड़ी टीम है, एक्सपेक्टेशंस होंगी, और अभी तक ओडीआई में जरूर अफगानिस्तान ने नहीं हराया, लेकिन अफगानिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंस, और जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान खेलते हैं अफगानिस्तान आसानी से नहीं छोड़ता पाकिस्तान। एक होता है ना कि आप मैच में गिर गए थे, आप मैच में गिर गए थे, गिरकर आपने यहां से वापसी की है, ये आप कहते हैं कि आपकी टीम का जज्बा है। तभी बाबर आजम जो थे दूसरे इनिंग शुरू होने से पहले मुस्कुरा रहे थे, उनको पता कि भाई हम यहां से भी लड़ेंगे। मैंने आपको बोल दिया था, चाहे मैंने जो भी इनको क्रिटिसाइज भी करा, कि 200 रन बनाने के बाद ये डिफेंड कर लेंगे, 150 होता फिर भी ये डिफेंड कर लेते, लग दिख ही रहा है आपको। कैप्टनसी के अंदर जो भी, चलो आप कह लें जिस भी ओपोनेंट के अगेंस्ट ये खेले, लेकिन इनके पास रिजल्ट भी आए हैं, एशिया कप फाइनल ये पहुंचे। जी इंडिया को कितनी दिक्कत होगी यार, आप बताओ मुझे कितनी दिक्कत होगी। आज इनकी आप बॉलिंग देखी आपने, इंटेंसिटी देखी, बाबर आजम की कप्तानी देखी, बॉलिंग चेंजेस देखी, शादाब की कैच देखी। अकॉर्डिंग टू मी फेवरेट और अंडरडॉग नहीं होता कोई, ऑन अ गिवन डे कौन अच्छा कर जाता है। 30 माइल्स पर आवर डाल ही रहा है, उससे कम नहीं डाल रहा। आपका नसीम शाह 142 किलोमीटर पर आवर डाल ही रहा है, ये डेड पिचेस है, ये पिच ऐसी नहीं है कोई कि जिसपे कोई पेस को बड़ा साथ मिल जाए, नहीं इस पे थोड़ा सा। शाहीन शाह अफरीदी 140 डाल ही रहा है। फिर ऐसे पाकिस्तान ने अपने घर के अलावा जहां क्रिकेट खेली है ना उसमें इमाम के रन है, तो ये पर्ची ना बोला करें, क्योंकि मैंने देखा है भैया वहां पर वो कह रहे हैं इमाम की ये बयान है, मतलब कितना डिसअपॉइंटिंग है। वो कहता है यार मेरे पेरेंट्स को मैं बोलने से डरता हूं कि भाई आप मेरा मैच देखो, वो पर्ची की चेंट्स लगाते हैं मेरे लिए, तो ये बड़ा डिसरिस्पेक्ट सड़क के प्लेयर हैं, ये है वो है। अरे भाई जो बंदा 51 की एवरेज से रन बना रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, पर यहाँ पे रहेगा अपहैंड जरूर रहेगा पाकिस्तान का, बिल्कुल अपहैंड है, और पेपर भी आप देखो परफॉर्मेंस वाइज भी, प्लेयर टू प्लेयर भी अगर आप उठा कर देख लो, कंपैरिजन आगे है पाकिस्तान की टीम में, कोई शक नहीं है। पर आप जो वो चीज कहते हैं कि अफगानिस्तान जो नाम आप बात करते हैं, अगर आप एक तरीके से दो नाम आप सुनोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो दिमाग में सिर्फ आप पाकिस्तान को पिक्चराइज करोगे कि हाँ यही टीम जीतेगी, बट वो कंपटीशन आपको जरूर देंगे, ये फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, एक अच्छा हमें मैच देखने को मिलेगा, और फिर एशिया कप के लिहाज से कोशिश तो आपकी यही होगी कि जो भी हो, क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल यूनिट बड़ी है और अफगानिस्तान भी कम नहीं रही है। अब इन दोनों टीमों में किसको चाहता हूँ जीते? मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान जीते, मतलब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा सस्पेंस क्रिएट हो एशिया कप से पहले, आप किसी टीम को हल्का ही ना आंको। जी जी, भी मतलब देखो ना बहुत बाहर की बॉल में ड्राइव करने चले गए, खराब गलती है, जो भी है विकेट आपने गवा दिया एट द एंड। हालांकि ये आप फकर की बात करो तो थोड़ा सा रिस्क लेकर तो ये खेलते हैं हर एक जगह पे, लेकिन जहां पे लेफ्ट आर्म स्पिन आती है या फिर जहां पे लेफ्ट आर्म पेस आती है, थोड़ा सा कहीं पे अगर वीक पॉइंट अगर आप उठाने की कोशिश करो ना, तो बस यही दो जगह है जहां पर थोड़ा सा बाबर फंसते हैं। लेकिन हारिस सिर्फ और सिर्फ अपनी पेस से किल कर रहा है, पेस में हल्का एक बात आप याद रखिए भाई, वो पेस से डरा रहा है भाई दुनिया। मैंने जो हारिस राव से आप देख रहे हो, लाइन लेंथ देखो उसकी, तो तेज भी कर रहा है तो लाइन लेंथ नहीं छोड़ रहा। आप कर सकते हैं, लेकिन भाई अफगानिस्तान हल्की यूनिट नहीं लग रही है, अफगानिस्तान आपको टेस्ट करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम, आकाश, 2 तारीख को हमने खेलना है पाकिस्तान से, हमारे प्लेयर्स घूम रहे हैं इवेंट में, सीएट के अवार्ड फंक्शन में, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो होना बहुत जरूरी है, फिर यूएस में अकेडमी खोल रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पूरा एक्टिव है, हर जॉनर 10 रन पे 3 विकेट, क्या मैच हो रहा है, महा बोरिंग। और ये देखो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को चाहे पहले कुछ भी कहा गया हो, भाई पाकिस्तान की पहले भी हमने देखा हमारी है, टीम में एक से एक दिग्गज प्रोड्यूस करा पाकिस्तान ने। आकाश पिछले मैंने काफी टाइम से नोटिस करा, हमारे जो प्लेयर्स हैं प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे यहाँ ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है कि आप एक जगह आ गए हैं, आपका मन करता है तो आप चले जाइए नेट्स में, मेरा मन करेगा तो मैं चले जाऊंगा, एक साथ हमारी टीम कब प्रैक्टिस करती है,
कहाँ करती है भैया? नहीं करती हमारे तो, किसी को अगर कह देंगे भाई तुझे कल प्रैक्टिस करने के भाई कल तो पार्टी एंजॉय करनी है। फिर टेक टेक उसकी, ये इनका कीपर है और आपका कीपर कौन है? कर क्या रहे हम गाने सुना ले यार। ठीक है भाई अभी टाइम ले लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, इतना टाइम क्या कि रन रेट 1.6 किया जाए। 2200 के आसपास है अभी। सारे पाकिस्तानी दोस्त आ गए होंगे, 2400 लोग हैं, 2400 मजे हो रहे होंगे उनके हैं। और पैक्ड, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। मैं कह रहा हूँ अगर वो 150-200 भी बना दें तब भी आपको लगता है कि इनकी बॉलिंग ऐसे वो समेट देगी। बार बार वही है ना कि टीम जीत रही है तो ऐसा नहीं कि आप अंडर द कारपेट चीजों को लेकर चले जाए। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं ना पूरी दुनिया आपको नीचे खींचने में लग जाती है, और आपका माइंडसेट जिन लोगों से नहीं मिलता, आपका सक्सेस का माइंडसेट है, दूसरे का माइंडसेट वेवलेंथ आपकी नहीं मिलती, वो सोचेगा यार ये बदल गया, ये हो गया, आपका फोकस है सक्सेस पे, इसलिए होता है ये चीजें। मैच तो पाकिस्तान ने जेब में नहीं सेफ में रखा हुआ है, मैच तो जीत चुकी है पाकिस्तान। ये मैं मानता हूं कि हारिस ने जिस तरीके की बॉल कराई है दोनों को, इकरम को भी, उसके बाद भी मेरा भाई गुरबाज को भी, अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान 59 पे 3 था ना, वो पहुंच गया ना 202, किसी ने तो पार्टनरशिप लगाई, रन थोड़े ऊपर हो जाए बस, मैच तो देखने मजा आएगा। अभी तो बिल्कुल वन साइडेड पाकिस्तान के हक में जा रहा है ना, 90 माइल्स पर आवर आप सोच लीजिए। अरे यार किसी जमाने में इस स्पीड से ट्रेनें आया करती थी, और आज जिस तरीके की बॉलिंग कराई गई है अल्टीमेट, तो कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान को पूरा आ गया है आज। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है, और आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज का पहला मैच था। पाकिस्तान की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी मुसलसल अच्छी रही है। आज जब मैच शुरू हुआ तो बाबर आजम जो कि लकी कैप्टन पाकिस्तान के लिए हम जाने माने जाते हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। फखर जमान और इमामुल हक ने बैटिंग की ओपनिंग की, एज अ ओपनर आए, और पहले ही ओवर में फजल हक ने फखर जमान को 2 रन पे आउट कर दिया, और पाकिस्तान का स्कोर उस वक्त 3 था। फिर बाबर आजम उनकी जगह आए, और अगले ही ओवर में बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए वापस लौट गए, और यहाँ अफगानिस्तान के बॉलर से अफगानिस्तान को एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट दे दिया। अब मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की जगह क्रीज पर मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान भी ज्यादा देर विकेट पर स्टे ना कर पाए और 21 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आगा सलमान भी 7 रन बनाकर आउट हुए। अब इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी 30 रन बनाकर आउट हो गए। फिर इमामुल हक और शादाब ने पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड में कुछ इजाफा किया, और इमामुल हक भी 61 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक की हाफ सेंचुरी वो भी प्रेशर में काबिले तारीफ है। फिर उसामा और शाहीन अफरीदी 2-2 रन, नसीम शाह 18 रन, और हारिस रऊफ 1 रन बनाकर पाकिस्तान की सारी टीम 201 रन बनाकर आउट हो गई, और अफगानिस्तान को अब 202 रन का टारगेट अचीव करना था मैच को जीतने के लिए। अफगानिस्तान के सारे बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए मुजीब रहमान ने 3 विकेट्स, राशिद और नबी ने 2-2 विकेट्स, और जबकि फारूकी और अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। और फिर शुरू हुई पाकिस्तान की बॉलिंग, और जैसे कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन और नसीम जल्द कोई विकेट लेकर पाकिस्तान के मैच में वापस लाएंगे, तो शाहीन ने अपने दूसरे ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दूसरी साइड नसीम ने संभाली रखी और बैट्समैन को स्कोर नहीं करने दिया। फिर एंट्री हुई हमारे तीसरे खतरनाक बॉलर हारिस रऊफ की, और हारिस ने तबाही मचा दी। जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तानी टीम को अपने पेस अटैकर से थी वो उन्होंने करके दिखाया। इंडियन मीडिया जो हमारी बॉलिंग से डरा हुआ खौफजदा नजर आता है, वो आज प्रूफ हो गया कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहां हमारे बॉलर्स ने कमाल कर दिया, वहीं बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ किए बगैर कैसे रह सकते हैं। किस वक्त किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है, कहां कैसे फील्ड खड़ी करनी है, वो भी कम स्कोर में। पाकिस्तान की टीम बेशक बहुत बड़ा स्कोर अपने बॉलर्स के लिए सेट नहीं कर सकी, लेकिन कम स्कोर पे भी हमारे बॉलर्स ने कमाल कर दिया। हारिस रऊफ ने 5, शाहीन अफरीदी ने 2, नसीम और शादाब ने 1-1 विकेट लिया, और पाकिस्तान शानदार तरीके से 142 रन से वाज़े फर्क से ये मैच जीत गया। हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान के इस शानदार जीत के लिए आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।